तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उन ड्रग्स के बारे में जो यूज़ होते हैं इन्फ्लुएंजा की इन्फेक्शन के लिए। तो सबसे पहले मतलब ड्रग्स के बारे में बात करने से पहले हम लोग देखेंगे कि ये इन्फ्लुएंजा वायरस कैसे हमारे ह्यूमन सेल में एंटर होता है और रेप्लिकेट होके कैसे वो इन्फेक्शन को स्प्रेड करता है, पहले हम उसके बारे में जानेंगे। तो जो इन्फ्लुएंजा वायरस है बेसिकली ये दो टाइप के होते हैं, ए बी, ओके, इन्फ्लुएंजा ए एंड इन्फ्लुएंजा बी। नाउ इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है कि जो इन्फ्लुएंजा वायरस है ये एक्चुअली होती है सिंगल स्ट्रैंडेड नेगेटिव आरएनए, ठीक है, ये पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है कि जो आरएनए, जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ये सेगमेंटेड है, ये पूरा का पूरा एक साथ नहीं रहता, ये इसके 8 सेगमेंट होती है इस नेगेटिव स्ट्रैंडेड आरएनए के। और नेक्स्ट, इसकी जो इनवलप है इसके ऊपर दो इंपॉर्टेंट प्रोटीन होते हैं, मतलब ये जो जेनेटिक मटेरियल है इसके ऊपर तो न्यूक्लिक एसिड होता ही है, इसके अलावा इसके न्यूक्लिक एसिड के ऊपर दो इंपॉर्टेंट प्रोटीन पाए जाते हैं। सबसे पहला प्रोटीन है हीमाग्लुटिनिन, ओके, जो ऑरेंज कलर में दिखाया गया है वो हीमाग्लुटिनिन। नेक्स्ट ग्रीन कलर का जो है वो दूसरा प्रोटीन है और इसका नाम है न्यूरामिनिडेज, ओके। तो न्यूरोक्लैप्सिड के ऊपर हीमाग्लुटिनिन और न्यूरामिनिडेज मिलते हैं। नेक्स्ट, जो इन्फ्लुएंजा वायरस है वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर होते हैं। तो हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का जो एपिथेलियल सेल है ये वो है और इसकी ये न्यूक्लियस है। नाउ एपिथेलियल सेल्स की खास बात ये है कि इसके सरफेस पर भी एक और इम्पॉर्टेंट प्रोटीन मिलती है जो मैंने यहाँ पर ब्लू कलर में दिखाया है। तो जो ब्लू प्रोटीन है जो एपिथेलियल सेल्स की सरफेस पे मिलती है इसका नाम है सियालिक एसिड। तो क्या होता है, जब भी हमारे बॉडी में इन्फ्लुएंजा वायरस एंटर कर जाती है तो इसकी जो हीमाग्लुटिनिन है ये फ्यूज़ होती है हमारी बॉडी की सियालिक एसिड से और इसके बाद रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस होता है और ये वायरस हमारे सेल के अंदर जाता है एंडोसोम के साथ में। नेक्स्ट, हमारा जो एपिथेलियल सेल्स है हमारी बॉडी का, हमारे सेल का, उसमें प्रोटॉन पाए जाते हैं और जो वायरस है वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट आयन चैनल है, इसका नाम है M2 आयन चैनल। तो ये M2 आयन चैनल के थ्रू प्रोटॉन्स अंदर जाते हैं, एंडोसोम के अंदर जाते हैं, जिसके वजह से वायरस की जो कोटिंग है न्यूक्लियोकैप्सिड वो फ्यूज़ होती है एंडोसोम से और जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक्सपोज हो जाता है अभी साइटोप्लाज्म में। तो इसको, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अनकोटिंग। नाउ अनकोटिंग होने के बाद जो वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो जाता है हमारे एपिथेलियल सेल के न्यूक्लियस में। लेकिन ये आरएनए कौन सा टाइप का आरएनए है, ये है नेगेटिव स्ट्रैंडर्ड आरएनए, ठीक है। अगर पॉजिटिव स्ट्रैंडर्ड आरएनए होता तो हम इसका कुछ कर पाते, लेकिन ये है नेगेटिव स्ट्रैंडर्ड आरएनए। नेगेटिव स्ट्रैंडर्ड आरएनए कुछ नहीं कर पाता और हमारे ह्यूमन बॉडी में भी कोई ऐसे वायरस नहीं है जिससे ये नेगेटिव स्ट्रैंडर्ड आरएनए को पॉजिटिव स्ट्रैंडर्ड आरएनए में कन्वर्ट कर सके। तो इसलिए ये वायरस इतना बुद्धिमान, इतना होशियार है, ये खुद ही से अपना आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज लेकर आता है। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये कौन सा जेनेटिक मटेरियल है, ये है नेगेटिव स्ट्रैंडर्ड जेनेटिक मटेरियल और ये अपने वायरस को अपने एपिथेलियल सेल के न्यूक्लियस के अंदर ही बुला लेता है और ये आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, इस नेगेटिव आरएनए को कन्वर्ट करेगा पॉजिटिव स्ट्रैंडर्ड आरएनए में। अब ये आरएनए पॉजिटिव स्ट्रैंडर्ड आरएनए क्या करेगा, ये अपनी एक्टिविटी चालू कर देगा, मतलब सबसे पहले ये करेगा ट्रांसक्रिप्शन जिसकी वजह से एमआरएनए की सिंथेसिस हो जाएगी। उसके बाद ये करेगा ट्रांसलेशन जिसकी वजह से नए नए इन्फ्लुएंजा वायरस बनेंगे। ओके, यहाँ पर मैंने एक ही वायरस बनाया है, बहुत सारे वायरस बनते हैं लेकिन यहाँ पर मैंने एक ही वायरस बनाया है। नेक्स्ट, ये जो इन्फ्लुएंजा वायरस जो नया नया बना है ये मैच्योर होके अब ये सेल को छोड़ेगा, ठीक है, बाहर निकल के दूसरे सेल्स को इन्फेक्ट करने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, ये जो सियालिक एसिड है एपिथेलियल सेल की, ये फिर से हीमाग्लुटिनिन को छोड़ेगा ही नहीं, अटैचमेंट हो जाएगा। तो जो ऑरेंज प्रोटीन है हीमाग्लुटिनिन, ये सियालिक एसिड को फिर से चिपक ही जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारी ग्रीन प्रोटीन है इसकी एक्शन चालू हो जाएगी। तो ये ग्रीन प्रोटीन क्या करेगा, ये दोनों का जो कनेक्शन है इसको तोड़ने की कोशिश करेगा, ओके। और एक बार ये कोशिश में कामयाब हो जाए, नेक्स्ट क्या होगा, ये जो इन्फ्लुएंजा वायरस है ये फ्री हो जाएगा और अब ये दूसरे हेल्दी सेल्स को इन्फेक्ट करना चले जाएगा। तो इस तरीके से इन्फ्लुएंजा वायरस की एंट्री हमारे बॉडी में होती है, उसकी मल्टीप्लिकेशन होके वो ऐसा इन्फेक्शन को स्प्रेड करता है, ठीक है।
सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ड्रग्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लुएंजा। ठीक है, तो इन्फ्लुएंजा वायरस को स्प्रेड को हम कैसे इनहिबिट कर सकें। तो हमारे पास एज सच तीन क्लास ऑफ ड्रग्स है जिससे हम इन्फ्लुएंजा की ट्रीटमेंट कर सकें। पहली क्लास है अनकोटिंग इनहिबिटर्स, जिससे हम वायरस की अनकोटिंग को इनहिबिट कर सकें। सेकंड है पॉलीमरेज इनहिबिटर्स। यस, पॉलीमरेज इनहिबिटर्स ये वो एंजाइम है जो नेगेटिव स्ट्रैंडेड आरएनए को पॉजिटिव स्ट्रैंडेड आरएनए में कन्वर्ट करते हैं। और लास्टली न्यूरामिनिडेज इनहिबिटर्स। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है, तो हम जल्दी से ये इसके ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम फिर से वही अनकोटिंग कैसे होता है वो देखते हैं, और फिर अनकोटिंग इनहिबिटर्स क्या करते हैं वो देखेंगे। तो पहले हम बात करेंगे अनकोटिंग इनहिबिटर्स के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अनकोटिंग कैसी होती है आपको पता ही है, जो हीमाग्लोटिनिन है वायरस का वो बाइंड करेगा सियालिक एसिड हमारे एपिथेलियल सेल्स के, होने के बाद एंडोजाइटोसिस हो जाएगा, अंदर चला जाता है एंडोजोम के साथ हमारा वायरस। और नेक्स्ट एपिथेलियल सेल्स में जो प्रोटॉन्स रहते हैं वो वाया M2 आयन चैनल इसके एंडोसोम के अंदर चले जाते हैं, जिसके वजह से जो न्यूक्लियोकैप्सिड है वायरस की वो फ्यूज़ होती है एंडोसोम से और फिर अनकोटिंग हो जाती है, पूरी डिसॉल्व हो जाती है। तो हमको ये अनकोटिंग को इनहिबिट करना है, तो ऐसे ड्रग्स को बोलते हैं अनकोटिंग इनहिबिटर्स। तो बेसिकली अनकोटिंग इनहिबिटर्स क्या करते हैं, ये जो M2 आयन चैनल है ना इसे ही ये इनहिबिट करते हैं। तो अगर आयन चैनल ही इनहिबिट हो गया तो प्रोटॉन तो ऑब्वियसली आयन चैनल के थ्रू अंदर नहीं जाएंगे और फिर फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियोकैप्सिड विद एंडोसोम नहीं होगा, तो इसे कहते हैं अनकोटिंग इनहिबिटर्स। तो हमारे पास दो ड्रग्स हैं इसके लिए, अमांटाडिन एंड रिमांटाडिन। ओके, तो ये है आपके अनकोटिंग इनहिबिटर्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉलीमरेज इनहिबिटर्स के बारे में। तो अनकोटिंग होने के बाद क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल चला जाता है न्यूक्लियस में, है ना, एपिथेलियल सेल्स की न्यूक्लियस में। लेकिन ये जेनेटिक मटेरियल कैसा है, ये है नेगेटिव स्ट्रैंडेड आरएनए। तो हमको इसको नेगेटिव स्ट्रैंडेड आरएनए तो ऑब्वियसली कुछ नहीं कर पाएगा, हमको चाहिए पॉजिटिव स्ट्रैंडेड आरएनए, मतलब हमको नहीं चाहिए, इन्फ्लुएंजा वायरस को चाहिए। तो नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए ये अपने साथ आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज लेकर ही आता है। ठीक है, तो जो ये जेनेटिक मटेरियल है ये है नेगेटिव स्ट्रैंडेड आरएनए, और ये इसके अंदर ही आरएनए पॉलीमरेज को न्यूक्लियस के अंदर ही बुला लेगा, और ये जो आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, नेगेटिव स्ट्रैंडेड आरएनए को कन्वर्ट करेगा पॉजिटिव स्ट्रैंडेड आरएनए में। ठीक है, नेक्स्ट हम आएंगे हमारे ड्रग्स के बारे में। हमारा ड्रग का नाम क्या है, हमारे क्लास का नाम क्या है, पॉलीमरेज इनहिबिटर्स। तो ऑब्वियसली क्या करेगा, ये आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करेगा। ठीक है, तो हमारे पास एक ही ड्रग है पॉलीमरेज इनहिबिटर, वो है बेलोक्सावीर। ठीक है, तो बेलोक्सावीर क्या करता है, ये पॉलीमरेज को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से इसकी जो है कन्वर्जन नेगेटिव स्ट्रैंड से पॉजिटिव स्ट्रैंड में ये इनहिबिट कर देगी। ठीक है, नेक्स्ट ये दो क्लास तो ख़त्म हो गए, हम आएंगे हमारे तीसरे क्लास में, वो है न्यूरामिनिडेज इनहिबिटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूरामिनिडेज का क्या है एक्टिविटी, जो भी मैच्योर वायरस बन जाता है बनने के बाद ये सेल को छोड़ के दूसरे सेल को इन्फेक्ट करने चले जाता है, लेकिन क्या होगा, ये सियालिक एसिड जो है हीमाग्लोटिनिन को छोड़ती नहीं है, तो यहाँ पर आपका जो न्यूरामिनिडेज प्रोटीन है वायरस का ये एक्शन में जाएगा। तो ये न्यूरामिनिडेज क्या करता है, ये दोनों की जो लिंक है इसको तोड़ने की कोशिश करता है। ठीक है, तो जैसे ये लिंक टूट गई ये वायरस फ्री हो जाएगा और दूसरे सेल्स को, हेल्दी सेल्स को इन्फेक्शन करना चले जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हमको क्या करना है, ये न्यूरामिनिडेज का जो एक्शन है इसको इनहिबिट करना है। ठीक है, तो कैसा इनहिबिट करेंगे, बाय गिविंग न्यूरामिनिडेज इनहिबिटर्स। तो ये न्यूरामिनिडेज इनहिबिटर क्या करेंगे, न्यूरामिनिडेज का जो प्रोटीन है इसको इनहिबिट कर देता है। ठीक है, तो ऐसे ड्रग्स जो न्यूरामिनिडेज प्रोटीन को इनहिबिट करते हैं इन ड्रग्स को बोलते हैं न्यूरामिनिडेज इनहिबिटर्स। तो हमारे पास तीन ड्रग्स हैं, ओसल्टामिविर, ज़ैनामिविर एंड पैरामिविर। ठीक है, नाउ ये जो ड्रग्स हैं ये ड्रग ऑफ चॉइस है बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू को ट्रीट करने के लिए, क्योंकि बर्ड फ्लू क्या है, ये है H5N1 और स्वाइन फ्लू है H1N1। नाउ दोनों फ्लू में क्या कॉमन है, N1, तो N का मतलब न्यूरामिनिडेज और H का मतलब हीमाग्लोटिनिन। तो ये न्यूरामिनिडेज इनहिबिटर क्या है, N1 न्यूरामिनिडेज को ही इनहिबिट करता है। तो हम ये ड्रग्स कॉमन है दोनों फ्लू को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा न्यूरामिनिडेज इनहिबिटर्स के बारे में, और ये था हमारी आज की वीडियो इन्फ्लुएंजा की ट्रीटमेंट के ड्रग के बारे में। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।